आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट पेड़ा। इसे आप भी अपने घर में 10 मिनट में बना सकते हैं और कम सामान में आप झटपट इसे तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट पेड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर, 2 चम्मच घी, आधा कटोरी शक्कर और 1 कटोरी दूध ले लिए हैं। पेड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में ही गरम करें और हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को हल्का मेल्ट होने दीजिए और इसे थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे। घी हल्का मेल्ट हो, देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। 1 कप जो दूध हमने लिया था वो हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसे मिला लीजिए और इसे हल्का सा बॉईल होने दीजिए। एक बार ये बॉईल हो जाए, देखिए एक बार बॉईल हो गया है, हम इसमें आधा कटोरी शक्कर डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा शक्कर डिजॉल्व ना हो जाए। देखिए हमारा शुगर डिजॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आपको एक साथ नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि जो बीच बीच में, ऐसे देखिए जब हम इसको मिक्स करेंगे तब इसके जो लम्स हैं वो लम्स ना आए। तो आपको धीरे धीरे इसे मिक्स करना है और लम्स जो हो उसको तुरंत ही आप हटा लें। देखिए अब लम्स नहीं है, देखिए लम्स नहीं है। अब क्या करना है, हम थोड़ा सा जो और बचे थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते रहिए और इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। देखिए ऐसे करके आपको चलाते जाना है और इसे जब तक ये लम्स फ्री हो चुका है, अब हम इसमें जो बाकी बचा है दूध पाउडर वो डाल देंगे और इसे अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। देखिए जैसे हम धीरे धीरे इसको स्टर कर रहे हैं, स्टर करते करते ये देखिए पहले कैसे था, लिक्विडिश था, ये थोड़ा और गाढ़ा हो रहा है। तो थोड़ा और इसको गाढ़ा करेंगे दूध देर इसको चला के और फिर इसे हम ट्रांसफर करेंगे एक बोल में। देखिए हमने जो घी निकाला था अब उसे इसमें डाल देंगे। अब उसमें ऐसे करके जो घी हमने थोड़ा सा बचा के रखा था इसमें हम डाल देंगे। देखिए जो हम पेड़ा बना रहे थे, पेड़ा बनाने के लिए हमने जो मिक्स तैयार किया था वो पूरी तरह से रेडी हो गया। देखिए पूरे तरह का कढ़ाई छोड़ चुका है। आइए अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे और इसे कम से कम 5 से 6 मिनट ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए थोड़ा सा तब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हमने जो मिक्स बनाया था वो रेडी हो चुका है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी लीजिए, दोनों को हाथ में डालिए और हल्का सा ऐसे एक लोई लीजिए और इसको ऐसे करके गोल कर दीजिए। देखिए ऐसे करके गोल करिए, आप कोई भी शेप में बनाना चाहते हैं, जैसा मैंने ऐसे बनाया आप गोले में भी बना सकते हैं। छोटे छोटे बॉल्स देके ऐसे करके, ये देखिए ऐसे गोल करके भी आप पेड़े बना सकते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, ऐसा पेड़ा है इसमें हल्का सा थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए देखिए बीच में। और ये जो ड्राई फ्रूट है, देखिए हमने यहाँ पे बादाम लिया है, आधा काट लिया था, अब आप ऐसे करके रख दीजिए। ऐसे ही करके आप जितना आप पेड़ा बनाएंगे उसमें ऐसे लगा दीजिए, ये दिखने में भी सुंदर दिखता है। देखिए हमारे पेड़े ऑलमोस्ट हमने बना लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जब भी पेड़े बनाते हैं तो जो हमने मिक्स तैयार किया था उसे ज़्यादा देर आप ऐसे रखें मत प्लेट में, उसे कम से कम 2 से 3 मिनट बाद बनाना चालू करें, नहीं तो वो जम जाता है। देखिए ये जम जाते हैं, फिर आपको निकालना पड़ता है इसको स्क्रैच करके, ठीक है। देखिए हमारा पेड़ा बनके तैयार हो गया है। हमने इसे ऐसे भी बनाया, इस शेप में भी बनाया और इस शेप में भी बनाया। आपका जैसा मन करे आप उस शेप में बना सकते हैं। इसमें जो हमने मीठे की क्वांटिटी बताई है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।